Hello everyone, this is Dr. Aditya Gupta. In this video, I wanted to address something sort of controversial, but I think it's been made controversial by students and their own delusions, not anything else. The distinction is actually very clear, but let's try to address this problem. So, a lot of people keep on asking me, sir, is BDR enough? Is rapid revision enough? And uh, uh, Or revision reduced for marrow uh, mar enough, or whatever it is. Now, I'll try to address the question what, what's enough? So there's a there's a saying in English which say don't, uh, uh, don't bite more than what you can chew. Something on those lines, right? And uh, basically Utna khau, jitna hazam ho that's absolutely valid for PG entrance also. There's no point in doing everything under the sun thinking you'll get a better rank when you won't be able to revise it in the first place. When you won't be able to remember it in the first place. And then don't get in FOMO. Agar tum koi choti cheez kar rahe ho. तो डोंट बी इन फोमो कोई दूसरा बहुत बड़ा कर रहा है भाई वो कर सकता है शायद वो है जीनियस तुम नहीं हो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डिटरमाइनिंग ऑफ इज बींग रियलिस्टिक बींग रियलिस्टिक अबाउट वट योर कैपेसिटी इज वट योर ब्रेन साइज इज एंड हाउ मच कैन यू एक्चली रिमेंबर एंड थर्ड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच पीपल टेंट टू फॉर्गेट हाउ मच टाइम डू यू हैव सो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है व्हाट्स एन ऑफ इट्स डिफरेंट फॉर एवरी वन एल्स वट्स योर ब्रेन साइज हाउ मच कैन यू रिमेंबर

एंड उन्होंने इनिशियली अपने थर्ड या फोर्थ ईयर में ढंग से पढ़ाई की होगी फिर वो ऐसे नहीं होंगे कि लवंडरों की तरह घूमते रहे होंगे एंड ड्यूरिंग दर एम बी एस एंड नाउ सडनी तीन दिन का सेशन अटेंड करके दिल बिल्कुल वी विल गेट टॉप हंड्रेड और फाइव हंड्रेड रैंक है ना सो प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ रही है देर आर टू सेट्स ऑफ थिंग्स यू वॉन्ट स्ट्राइक रेट ऑल्सो यू वॉन्ट की हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए एंड यू वॉन्ट की कंसाइज भी हो कि रिवाइज भी हो पाए एंड यू ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन दीज टू अगर कंसाइज करने जाते हो तो तुम्हें लगता है कोई दूसरा पढ़ रहा होगा तो फोमो में आ जाते हो ज़्यादा पढ़ने जाते हो तो वो तो, तो पॉसिबल ही नहीं है नहीं दो फर्स्ट प्लेस दस हज़ार पढ़ने पढ़ने तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है अगर दो तीन महीने ही बाकी है तुम्हारे पास एग्ज़ाम में फ्यू जस्ट आप टू थ्री मंथ्स लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम और जैसे सिक्स मंथस एग्गाम इन दट किस दैट इज नॉट पॉसिबल सो सूर योर लाइक यू आर कन्नफ्यूजड एंड इन दट कन्फ्यूजन यू एंड अप ब्लेमिंग हु हुएर इज इन फ्रंट ऑफ यू सो इट कैन बी मी इट कैन बी जेनाब इट कैन बी डॉक्टर रोहन फ्रॉम मैरो इट कैन भी डॉक्टर प्रीति फ्रॉम प्रेपलाडर और एनी अदर फैकल्टी उज देर आपकी गलती है है ना नहीं उनकी कोई गलती नहीं है बेटा तुम दिल्यूजनल लो ठीक है सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन गोल्स एंड हाउ आर डूज अ गोल्स अचीव्ड ओके एंड देन विल गेट टू वाट्स एनफ सो फर्स्ट गोल इज इफ लेट्स यू वॉन्ट टॉप हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड रैंग इफ़ यू वॉन्ट अ टॉप हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड रैंग ना देन प्रिपरेशन ना तीन महीने की नहीं होती या छः महीने की नहीं होती प्रिपरेशन ना थर्ड या फोर्थ ईयर में स्टार्ट हो चुकी होती है ढंग से ओके

लाइक होप इज़ अ पावरफुल ड्रग बट डोंट बी सो मच यू नो डोंट बी सो मच ऑन होप यम की तीन महीने में हम लोग एम्स निकाल लेंगे पूरी एमबी बस कुछ नहीं पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता सच अ क्रैक काइंड ऑफ अ पर्सन यस इसमें मैं एक इफ्ट डालूंगा तुम एमबी बस में लेसे टॉपर नहीं थे तुम सेमी डिसेंट थे एंड यू हैव सिक्स टू नाइन मंथ्स देन येस यू कैन डेफिनेटली नाउन ड्यूरिंग यर एम डी प्रिपरेशन यू कैन गेट इन टू एम्स यू कैन गेट टॉप थाउजेंड रैंक येस बट फिर छः से नौ महीने चाहिए तीन महीने में नहीं हो पाएगा आई एम सो सॉरी टू से दैट देन यूड डेफिनेटली रिक्वायर सिक्स टू नाइन मंथ्स मैंने मेरी सेवनटीन्थ रैंक आई थी मैं अपनी डिसेंट था थोड़ा सुपर डिसेंट ही रहूँगा एक दो सब्जेक्ट में तो मेडल भी आए थे मुझे भी सेवन टू एट मंथ्स प्रॉपर लगे थे यार अपने एग्जाम को क्रैक करने में बाई सेवन टू एट मंथ्स प्रॉपरली यू नो रीडिंग दो सब्जेक्ट्स अगैन मेकिंग माई ओन कंसाइज नोट्स एनोटेटिंग फर्स्ट एड रिवाइजिंग एंड गिविंग द एग्जाम इट टुक मी सेवन टू एट मंथ्स लाइक इंटर्नशिप में पढ़ा था फिर ब्रेक आई थी फिर फिर चार पाँच महीने जैम से अप्रैल एंड तक प्रॉपर पढ़ा था फॉर मी ऑल्सो एल्स आई एल टिक सेवन टू एट मंथ्स रिश्व ऑल्सो एनी वन एल्स दैट मैटर ऑफ इनके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे मैं मैक्सिमम जनता को एड्रेस करता हूँ इफ यू बिलोंग टू द कैटेगरी हु वॉन्ट्स अ थ्री थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड रैंक यू हैव फोर और फाइव मंथ्स लेफ्ट इंटर्नशिप खत्म हुई थी जान एंड में फेबर में एंड नाउ यू हैव एग्जाम इन जून एंड एंड यू लाइक कि अब क्या करें एम नॉट एबल टू स्टार्ट भाई ऑब्वियसली तुम अभी पूरी की पूरी मेन वीडियोज़ तो नहीं कर सकते दैट्स अगेन बींग यू दट बी एबल टू वॉच द एंटायर वीडियोज़ फॉर यू का इज द बेस्ट मेथड डेफिनेटली द बेस्ट मेथड टू हैव अ शॉर्ट एट द थ्री टू फाइव थाउजेंड रैंक इज डू रैपिड रिविजन वीडियोज प्रॉपरली और डू बी टी आर प्रॉपरली

तो उसमें पाँच साल के प्रीवियस क्वेश्चन और उनके टॉपिक्स की थॉर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस कंसाइज रिसोर्स में नाउ यू कांट से कि को दस परसेंट याद है या बीस परसेंट याद रहा फिर उसका हर वर्ड इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक एनसीआरटी अगर एनसीआर पढ़ के एग्जाम निकलता था क्वेश्चन सॉल्व होते थे फिर एनसीआरटी पूरी इन डेप्थ पढ़ी होती थी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ी होती थी सी कान भी लाइक मैंने रैपिड रिविजन कर लिया मैंने प्रवेश क्वेश्चन कर लिया बट अगर मैं तुमसे कोई रैपिड रिविजन का कोई क्वेश्चन पूछूँ या उससे रिलेटेड उनके नोट्स का ही कोई क्वेश्चन पूछूँगा तो मैं याद ना है तो ऑब्वियसली नहीं आ गया तुम्हारी रैंक देन ऑब्वियसली वन बी एबल टू क्रैक द एग्जाम विद ब्रेक देद था रैंक वैन आई सी रैपिड रिविजन और बीटीआर प्लस फाइव इवेश्चन आर एनऑफ प्लस फाइव इविचन एंड टॉपिक्स आर आई मीन यू शुड भी थोरो इन दो फाइव टॉप क्वेश्चन एंड यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीटीआर फिर वो हज़ार दो हज़ार पढ़ने के तो मास्टर होने चाहिए देन यू कॉन्ट भी लाइक मेरे को थोड़ा थोड़ा पढ़ा था मेरे को याद नहीं है है ना ना यू विल भी लाइक सर फिर आप फर्स्ट एड कब रिकमेंड करते हो फिर कंसाइज कैसे करें वो कंसाइज किसके लिए वैलिड है यार उनके लिए वैलिड है जो कि छः महीने पढ़ने के लिए बैठे हैं छः महीने एग्जाम के लिए बैठे हैं लाइक से मई में पढ़ना शुरू किया नवंबर के, के एग्जाम के लिए बैठे हैं तो इन ऑर्डर टू गेट टू अ कंसाइज मटीरियल विच इज फॉर द एग्जाम द करेंट वर्ड इज दे आर टू मैथड्स द फर्स्ट मैथड इज विच इज वैलिड फॉर मोस्ट टॉपर्स वट दे एंड ऑफ डूइंग उन्होंने अपनी एम में ढंग से पढ़ाई की हुई थी या उन लोगों ने इंटर्नशिप में किसी तरह टाइम निकाल के एक बार मेन वीडियोस देख ली अब उन्हें रिलाइज हो रहा है कि दे के नॉट यू नो रिवाइज मेन वीडियोस सो दे ट्रिम इट डाउन इतना था दस हजार थे ट्रिम कर करके वो दो हज़ार या हजार पहुंचते हैं राइट विच इज हाउ आई रिकमेंड फर्स्ट एड तो तुमने मेन नोट्स लो उनको एक जल्दी से पढ़ो फिर फर्स्ट एड देखो तुम्हें देखेगा फर्स्ट एड में सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ है पांच साल के क्वेश्चन पेपर्स देखो जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो दो पॉइंट मिसिंग थे वो फर्स्ट एड में डाल दो तुम्हारा कंसाइज रेडी हो गया सेम टॉप सेम चीज तुम फाइनल ड्रॉफ्ट कर दो तो इसमें तो खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद के टेबल्स बनाने पड़ेंगे खुद के फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे दिस इज अ ट्रिम डाउन मेथड द सेकंड मेथड इज द बल्क अप मेथड द बल्क अप मेथड इज सिंपली कि इतना शुरुआत का तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है बल्क अप मेथड इज डायरेक्टली तुम रैपिड रिविजन और बी की वीडियोज देखी पांच साल के क्वेश्चन किए जो जो एक्स्ट्रा था वो उसमें ऐड कर दिया ट्रिम डाउन मेथड में बेटर रैंक आती है ऑब्वियसली बिकॉज हमारा बेस ब्रॉडर था है ना कुछ कुछ क्वेश्चन आस पास के हमारे जस्ट बाई यू नो कुछ कुछ याद था स्लम डॉग मिलने में होता था ना उसको कहीं ना कहीं से कुछ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आती कुछ सॉल्व हो गया तो एक दो एक दो एक दो क्वेश्चन करके एग्जाम में दस क्वेश्चन बन जाता है द रीजन ट्रिम डाउन मेथड वर्क्स बेटर बट देन ट्रिम डाउन मेथड रिक्वायर्स सिक्स मंथ्स ऑल्सो जब तीन महीने है, तो ही हैं तो बल्कअप मेथड ही बेस्ट है ना चुपचाप रैपिड रिविजन तीन महीने है ना करो रैपिड रिविजन वीडियोज़ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालो दो बार रिवाइज करो एक फाइनल लास्ट फाइव डेज के रिविजन मारो एग्जाम देकर आओ उल्टी करके आओ राइट ना यू विल बिल्कुल सर हमने रैपिड रिविजन और यहाँ बी टी आर प्लस वेवे से क्वेश्चन सॉल्व किए हमारे पास अभी टाइम है आज भी हमने इनिशियली शुरू कर दिया था अब हम एक्स्ट्रा क्या करें कि हम वो टू थाउजेंड या वन थाउजेंड में जा पाएँ देन आई विल से फोर फाइव सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेजर पोर्शन बनाते हैं दैट इज़ द सर्जरी ऑप्सकाइनी पाथफामा माइक्रो इनको अगर मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया मेडिसिन में सिर्फ स्पेसिक टॉपिक्स हैं एमरजेंसी जैसे हो गया इन पाँच सब्जेक्ट्स को अगर तुमने थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लिया Then what will happen? Then you will start breaking into that top 2000 top 1500 zone all right but agar top 500 अगर टॉप to basic चाहिए ना तो ki third ही है कि aaj ki date mein tum thode में आज की chahiye में तुम थोड़े require तो होने चाहिए थे एंड यू रिक्वायर सिक्स टू नाइन मंथस तब क्या करना था कि तुमने इनिशियली थोड़ा ज्यादा पढ़ा धीरे धीरे तो करके तुम ट्रिम डाउन करके आए हो प्लीज डोंट भी डिल्यूजनल लाइक अ नीड यू जी एस्परेंट दैट आई अटेंड अ थ्री डे पी टी आर सेशन और आई अटेंड आई जस्ट वॉच द वीडियोज

खुद तो एक बार पढ़ा होता है और उन्होंने उसको फिर ट्रिम डाउन किया होता है ना यू लास्ट में कि सर बहुत सारे ऐसा टॉपर्स कह रहे होते हैं उन्होंने बी से निकाला यू हैव टू अंडरस्टैंड दो वर हु इन द इनिशियल फेज इट सेल्फ हैड डन अ लॉट दे वर स्ट्रगलिंग विद रिविजन इफ दे वर नॉट स्ट्रगलिंग विद स्टार्टिंग दे वर स्ट्रगलिंग विद रिविजन दे अटेंडेड बी टी आर और देड बी टी आर दे गॉड समथिंग एंड दे लाइक आखिरी एक हफ्ते में यही पढ़ के चले जाएंगे बाकी पास्ट की नॉलेज कवर अप कर लेगी

ट्रस्ट करना सीखो ब्लेम करने में इतने मत रहो मतलब इट वेरी इजी टू ब्लेम मतलब फॉर योर फेलियर इज वेरी इजी टू ब्लेम एनी वन एल्स या कोई जैनब ने तुम्हें जाके तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा कि बीटीआर करो बीटीआर करो या मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा कि फर्स्ट एड करो फर्स्ट एड करो या डॉक्टर लोहन ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा कि मारो की सारी वीडियो करो तुम खुद डॉक्टर्स हो अगर तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो जो खुद करना है करो यार तुम दूसरों को क्यों गाली दे रहे हो है ना हम सब ने तो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है यार हम लोग वी वॉन्ट गुड फॉर यू ओनली कोई भी यहाँ पे आके कोई अल्टीरियर मोटिव से कोई वीडियो नहीं बना रहा और मेरे तो यार डेढ़ महीने में एग्जाम है मैं कोई वीडियो बना के क्या मिलेगा हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं एनी वन हु इन दिस यू नो ट्राइंग टू गाइड यू वॉन्ट्स योर बेनिफिट ओनली राइट दे आर डू नॉट वॉन्ट दे डोंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव यूल पैसे मिलते हैं यार उनको वैसे भी मिल जाएंगे है ना सो दैट इज नेवर देयर एक्चुअली ट्रस्ट करना सीखो तुम हमारी बातें सिर्फ इसलिए सुन रहे हो ना बिकॉज यू लाइक फेयर एनफ पढ़ाई मैं कर लूंगा आई डोंट हैव द गाइडेंस इन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है मे बी दे कैन गाइड मी बेटर ऑन हाउ टू क्रैक द एग्जाम सो दैट इज वॉट तो फिर या तो मुझ पे जेना पे या जिसको भी तुम अपना मेंटर मानते हो उसको ट्रस्ट करना सीख लो यार कुछ सही तरीके से ही बोल रहा होगा एक ऑनेस्टली तुम्हें बोलता हूँ क्योंकि तुमने कुछ रैपिड रिविजन के दो हज़ार क्वेश्चन किए उससे पचास परसेंट क्वेश्चन आते हैं और दस हज़ार पन्ने से नब्बे परसेंट क्वेश्चन आते हैं तो ये तो बेवकूफी होगी ना कि तुम दस हज़ार पन्ने के पीछे भागो बेटर तो यही होगा ना पहले उन दो हजार पन्नों को ढंग से करो और उनके रट्टे मारो फिर धीरे धीरे पचास को साठ साठ को सत्तर करो ताकि तुम्हारी सेवेंटी परसेंट तो आने लग सकती है टू थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड रैंक है ना सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन करें पे और अगर तुम्हें तुम स्ट्राइक रेट के पीछे ही भाग रहे हो पागलों की तरह ना you know, लॉट ऑफ पीपल आर आफ्टर क्वेश्चन नहीं आया दो क्वेश्चनियां हैं बीस परसेंट स्ट्राइक रेट है यू बिलोंग टू दैट यू नो वो जो शादी में आ, फूफा जी वो सर तुम्हारे लिए मेरे पास एक एडवाइस है बहुत ही अच्छी एडवाइस है ये करके जाओ ये बेस्ट बुक है पूरी करके जाना हंड्रेड स्ट्राइक रेट है पर पूरी करके जाना यही मेरी रिक्वेस्ट है ठीक है फिर मत पूछो कि वॉट इज एनफ दिस इज एनफ ये बेस्ट है दिस इज एनफ दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड है ना समझ रहे हो ना लास्ट टाइम आई एन आई सिंस आए थे जो ट्रिकी थे आई थिंग कीनो ट्रायल पर पूछा था सेरेबेलॉन पे पूछा था समथिंग लाइक दैट बट मुझे ये बताओ कि वो क्या किसी नोट्स में थे भी कीनो ट्रायल इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ नॉट रॉन्ग का जो ब्रांड नेम है वो केट है विच इज़ रीजन एनी ट्रायल विच इन्वॉल्व कैम्पुरिजम ऐप इज कॉल्ड एज की नोट ट्रायल द सेम इज वैलिड फॉर निवोलूम आप निवोलम आप का ब्रांड नेम इज आई थिंक इट्स अ चेक पॉइंट इन एबिटो एंड दैट्स वाई उसके सारे ट्रायल्स को चेक मेड ट्रायल्स कह रहे होते हैं यार ऑब्वियसली ये बहुत ही हाई लेवल कंसेप्ट है ये कोई टीचर तुम्हें पढ़ाने भी नहीं वाला ये एज अ डी एम स्टूडेंट मुझे भी नहीं पता था बींग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस इन क्वेश्चन से रैंक नहीं होती ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं बाकी जो सेवेंटी एट्टी परसेंट पेपर आया था ना आईव सीन दैट आई आई सी टी मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पेपर जिसके बाद लोग इतना गुस्सा हो रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया भाई तुम लोगों का ना सारा दिमाग ही उस बीस क्वेश्चन में चला गया जो टफ आए थे बाकी जो एट्टी परसेंट क्वेश्चन था ना वो तब भी उन्हीं रिपीटेड टॉपिक से बार बार आया था एम्स को इम्यूनिटी पसंद है वो बार बार इम्यूनिटी ही पूछी थी उन्होंने वो बार बार उन्होंने वही ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर और वॉनगर्क और वही पूछा था ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने कुछ अजीब सा पूछा था और टॉपर वही था जो उन रिपीटेड टॉपर्स की टॉपिक्स में कुछ गलती नहीं करके आया था विच इज़ द रीज़न ऐसे सत्तर परसेंट पढ़ो पर बार बार पढ़ो कम पढ़ो बार बार पढ़ो एग्जाम उससे ही निकलता है ज्यादा पढ़ने से आज तक एग्जाम नहीं निकला यू हैव टू गेट इन टू अर सेट कि वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है नॉट कि मेरे को नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है, है ना और ज़्यादा पढ़ना ना खराब ही होता है ज़्यादा पढ़ाना आसान होता है खुद सोचो जो प्रोफेसर में जो टीचर्स होते थे कॉलेज में टीचर्स होते थे जिनकी दो सौ स्लाइड होती थी वो सबसे घटिया पढ़ाते कैटेगराइज समराइज द वीडियो तुम्हारे पास सिक्स टू नाइन मंथ्स हैं तुम एम में सेमी थे प्लस एम में तुम सेमी डिसेंट थे तब मैं तुम्हें बोलूंगा एक बार गो थ्रू द मेन नोट्स गो थ्रू वीडियो सारे देखने के कोई पॉइंट नहीं है कहीं कुछ समझ ना आए तो मेबी यू कैन कंसिडर वॉचिंग वीडियो बट सेवेंटी टू एटी परसेंट एम बीबीबीएस इज फैक्ट्स ओनली गो थ्रू द मेन नोट्स तुम सेवन डिसेंट हो तो तुम्हें समझ आ जाएंगे वो नोट्स ठीक है ऐसा नहीं होगा तुम्हें समझ नहीं आएंगे गो थ्रू द मेन नोट्स उन मेन नोट्स की रीडिंग में तीन महीने लगते हैं साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली उन दस हज़ार पन्नों को कंसाइज करने लग जाओ यूज फर्स्ट एड फॉर दैट मेरी हर बार रिकमेंडेशन है कि छह महीने हैं तो फर्स्ट एड प्लीज़ यूज़ करो तीन महीने में तुम उन नोट्स को एक बार ढंग से पढ़ोगे फर्स्ट एड यूज़ करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फर्स्ट एड में डालोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी फर्स्ट एड भी बन गई अब इसको ही बार बार रिवाइज करोगे नेक्स्ट तीन मंथ में इनको ही बार बार रिवाइज करोगे नौ महीने हैं तो पहली रीडिंग को चार या पाँच महीने दे सकते हो फिर दो एक वो जो हम लोग हाफ हाफ टी हाफ करके कर रहे होते हैं वो करना है छः महीने से कम है ना, है ना पाँच महीने हैं चार महीने अब टाइम थोड़ा कम है अब मेन वीडियोस पे नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकते अब क्या करो रैपिड रिविजन या बी उठाओ उनको ढंग से करो ढंग से का मतलब अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि मेरे को उसका दस परसेंट याद है पाँच साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को ढंग से सॉल्व करो ऐड करो लगता है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है मैं टू थाउजेंड या थाउजेंड के अंदर जाना चाहता हूँ तो वो जो चार पाँच सब्जेक्ट मैंने तुम्हें मैं बताया उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हो इनको दो तीन बार रिवाइज करो यूल गेट अ गुड रैन और तीन महीने से कम है तो प्लीज़ पहली चीज तो डिल्यूजन में मत रहो कि तीन दिन का बीटीआर अटेंड करने की वजह से एम्स निकल जाएगा वो तो सबसे बड़ी डिल्यूजन है हाँ ऐसे हो कि पहले पढ़ रहे थे बहुत पढ़ा रिवाइज नहीं हो रहा तो बी टी आर आए लगा कि यूल गेटर विजन रिसोर्स नो डाउट अबाउट दैट वो मैं मानता हूँ उसमें वो बहुत अच्छा भी है तब अब के लिए ज़्यादा कुछ मत सोचो चुपचाप बी टी करो पिछले तीन से पाँच साल के क्वेश्चन सॉल्व करो जितनी रैंक आएगी आएगी इससे बेटर तुम कर भी नहीं सकते टाइम ही इतना कम है है ना नहीं अस्सी नब्बे दिन कम होते हैं है ना किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के जिसमें डेढ़ लाख लोग बैठते हैं राइट right? सो so दिस इज़ माई एडवाइस दैट्स हाउ यू कैन डिवाइड हाउ मच टाइम यू हैव हाउ मच ब्रेन्स यू हैव एंड हाउ मच यू कैन रिवाइज What is enough? Anything that covers past five year topics and you can revise in the last seven to ten days is enough. That's the last line I'll say. I hope you enjoyed the video. Thank you and have a nice day.